हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद शाहनवाज आलम, मैथमेटिक्स लेक्चरर। इट्स माई 28th वीडियो लेक्चर ऑन द टॉपिक टुडे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिफरेंशियबिलिटी। ओके, लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को जाना कि व्हाट इज़ कंटिन्यूअस, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं, डिफरेंशियबल फंक्शंस क्या होते हैं, कब हम किसी फंक्शंस को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी पॉइंट पर डिफरेंशियबल बोलेंगे और इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। नाउ कुछ इससे रिलेवेंट प्रॉब्लम्स हम करते हैं कि शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2x-3 इज़ नॉट डिफरेंशियबल एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 3/2। तो टेस्ट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी एट x इज इक्वल टू 3/2, आपको क्या करने हैं, दो कंडीशंस चेक करने हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला क्या था, लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ किस पॉइंट पर चेक हो रहा है, 3/2 पर। तो वही होता है ए एफ थ्री ए माइनस एच एफ ए डिवाइडेड बाय माइनस एच, फार्मूला देख लोगे पीछे लास्ट वीडियो लेक्चर्स में जो बताया मैंने। तो ए की जगह मेरा 3/2 है। ओके, अब ये एफ एक्स की जगह ये 3/2 माइनस एच काम कर रहा है, यहाँ पर हम 3/2 माइनस एच रख देंगे, 2 × 3/2 माइनस एच माइनस 3, ये यहाँ रखा गया और ये माइनस 3 यहाँ पर है। x की जगह ये 3/2 माइनस एच रखा है। ओके, और यहाँ पर क्या f3/2, यहाँ पर f3/2 रखेंगे, फंक्शन कॉल करेगा 2 × 3/2 माइनस 3 और ये माइनस एच, ये मल्टीप्लाई करो, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3, ये 2h आ जाएगा यहाँ से, माइनस 3, ये 3 और ये 3 कैंसिल, ये तो 0 हो जाएगा ना। अब इसका मॉड खत्म होगा तो मॉड ऑफ माइनस 2h प्लस 2h डिवाइडेड बाय माइनस h, तो ये माइनस ये h और ये h कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, बचेगा माइनस 2। माइनस 2 पर तो लिमिट लगेगा नहीं, लिमिट का जो लिमिट जिस पर होल्ड कर रहा वो बचा ही नहीं है ना, तो ये लिमिट हो गया, ये वैल्यू कितना आ गया, माइनस 2। इन द सिमिलर मैनर हम राइट हैंड डेरिवेटिव को निकालेंगे, लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच, तो लिमिट एस टेंस टू जीरो ए कौन सा पॉइंट है, किस पर टेस्ट करने बोला है, 3/2 पर, तो 3/2 प्लस एच माइनस एफ 3/2 एच। इसी तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे फंक्शन में कॉल करके, यहाँ पर एक्स की जगह हम 3/2 प्लस एच डालेंगे, तो 2 × 3/2 प्लस एच माइनस 3 हो जाएगा ना। इसी तरीके से देखो ये वाले में लिमिट एस टेंस टू जीरो सिमिलर वैसे बनेगा जैसे माइनस वाला बनाया, 2 × 3/2 प्लस एच माइनस 3 मॉड में, माइनस एफ 3/2 क्या होगा, इस फंक्शन की जगह पर रख देंगे, एफ एक्स इजिकल टू क्या है मेरा, मॉड ऑफ 2x माइनस 3, बस x की जगह f 3/2 पे देखना, यहाँ पर 3/2 रखो, यहाँ पर 3/2, 2 कैंसिल, 3 माइनस 3 फिर से 0 हो जाएगा, कैंसिल करोगे यहाँ पर h ख़त्म, यहाँ 2 आ गया। देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो मेरा आया था माइनस 2 और राइट हैंड डेरिवेटिव जो आया है वो प्लस 2 आया, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो एफ इज़ नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इजिकल टू 3/2। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाता तो f डिफरेंशियबल हो जाता है। एक दूसरा क्वेश्चन देखो, एफ एक्स इजिकल टू मान लो क्या है, एक्स माइनस 1 होल टू द पावर 1/3 इज़ नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इजिकल टू 1। सेम कंडीशन अप्लाई करना है मुझे कि एल एच डी और आर एच डी बराबर नहीं होगा इस पॉइंट पर। एफ एक्स इजिकल टू ये दिया हुआ, आर एच डी पहले निकाला मैंने, लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ कुछ भी निकाल सकते हैं पहले, ठीक है। एफ किस पर टेस्ट है, 1 पर ना, तो फार्मूला लगेगा ए प्लस एच, ए की जगह 1 है, माइनस एफ ए 1 है डिवाइडेड बाई प्लस एच है ना, ये प्लस एच होता है, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं प्लस। तो लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ़ 1 प्लस एच यहाँ रखेंगे तो 1 प्लस एच माइनस 1 होल टू द पावर 1/3 माइनस 1 पर रखेंगे तो 1 माइनस 1 होल टू द पावर 1/3 डिवाइड बाई एच, ये 1 कैंसिल, एच का पावर 1/3 माइनस ये तो 0 ही हो जाएगा डिवाइडेड बाई एच है ना। ये आ गया लिमिट एच टेंस टू 0 एच का पावर 1/3 डिवाइडेड बाई एच, ये देखो बेस इक्वल है ना, बेस इक्वल होने से क्या होता है, पावर आ जाएगा यहाँ सब्ट्रैक्ट होने, तो ऊपर 1 बचेगा, एच का पावर 1 − 1/3, तो लिमिट एस टेंस टू 0 एच का पावर क्या हो गया, 2/3 हो गया, लिमिट अप्लाई करेंगे 1/h 0 हो जाएगा, ये वाला 1/0 इन्फिनिटी होता है ना। वे अब हम देख रहे हैं लिमिट जो है एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है फाइनाइटली है ना, कंडीशन क्या था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए, ये इनफाइनाइट आ गया, विच डज़ नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली, हेंस एफ इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। फाइनाइटली है ये नहीं, इनफाइनाइट केस आ गया, बात खत्म हो गई है ना, अदर एल एच डी को निकालने की जरूरत ही नहीं है, आर एच डी में ही इनफाइनाइट केस अटेंड कर गया, hence f is not differentiable at x is equal to 1. Okay, examine the differentiability of the function f defined by
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स वेन एवर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो फंक्शन कॉल फंक्शन टेक्स वैल्यू जीरो वेन एवर एक्स इज इक्वल टू जीरो एट एक्स वैल्यू जीरो। एग्जामिन करना है मतलब ये कंटिन्यू डिफरेंशिएबल है या नहीं ये देखना है हमें। तो गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है ये जो दिया हुआ था मैंने लिख दिया। अब इस पर फिर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। अगर आपको वीडियो मतलब नोट डाउन करना है तो पॉज करके नोट डाउन कर लो, है ना। डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एल एच डी लगाएंगे वही फार्मूला, जीरो पर चेक हो रहा है तो ए की जगह जीरो हो जाएगा। लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो बाई माइनस एच, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में माइनस होता है डिनोमिनेटर में ना। लिमिट एस टेंस टू जीरो ये हो गया, एफ एक्स कौन है मेरा फंक्शन जो कॉल हो रहा है वो है एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स, है ना। मतलब जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच यहाँ रखाएगा तो यहाँ भी रखाएगा और ये साइन वन बाई ये जीरो माइनस एच हो जाएगा ना। और ये एफ जीरो पर तो वैल्यू जीरो ही दिया हुआ ना, एफ जीरो यहाँ पर एक जीरो जाएगा तो क्या होगा वैल्यू एफ जीरो पर जीरो है। ओके तो वैल्यू एफ जीरो पर जीरो गिवन है। ये हो गया माइनस एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर साइन माइनस वन बाई एच, ये माइनस एच ये तो ख़त्म हो गया ना। लिमिट एच टेंस टू जीरो ये एक एच कैंसिल हो गया, ये माइनस ऊपर चला आया ना, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस एच साइन वन बाई एच। अब देखो तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो एच का वैल्यू तो जीरो हो जाएगा यहाँ पर, और साइन वन बाई एच का वैल्यू क्या होगा। साइन वन बाई एच का वैल्यू हम जानते हैं साइन एक ऑसिलेटिंग फंक्शन है, साइन का जो ग्राफ है इस तरह से चलता है ना, एक बार साइन जीरो जीरो फिर साइन वन इस तरह से चलता है, ठीक है, इस तरह से ये ग्राफ चलता है। ओके तो साइन मैक्सिमम अटेंड करता है प्लस वन और मिनिमम अटेंड करता है माइनस वन, ठीक है ना, ये क्रेस्ट एंड ट्रफ बनाता है, ठीक है। मैक्सिमम अटेंड करेगा प्लस वन, ये गलत हो गया, साइन जीरो यहाँ से जाना चाहिए, ठीक है। ओके तो मैक्सिमम साइन जीरो जीरो होता है, साइन नाइन्टी वन होता है, ओके ना। तो मैक्सिमम अटेंड करेगा वन और मिनिमम अटेंड करेगा माइनस वन, ओके मिनिमम अटेंड करेगा ये माइनस वन। तो साइन का जो वैल्यू है माइनस वन और प्लस वन के बीच में ऑसिलेट करता रहता है, लेकिन अभी हमें ये नहीं मालूम कि इसका पर्टिकुलर वैल्यू क्या होगा। मतलब लेकिन हमको हर हाल में ये मालूम है इसके एंगल में जितने बड़ा से बड़ा नंबर या छोटे से छोटा एंगल हो जाए इसका वैल्यू माइनस वन से प्लस वन के बीच में ही आएगा, चाहे जो भी रख दें। ओके तो ये माइनस वन से प्लस वन के बीच में कोई फाइनाइट नंबर ही देगा, जीरो इंटू एनी फाइनाइट नंबर इज जीरो। ओके ओके राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाई एच। तो ये फार्मूला को फिर रख दिया, एच स्क्वायर साइन वन बाई एच सेम केस यहाँ पर एग्जिस्ट होगा, लिमिट एच जीरो हो जाएगा और लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन वन बाई एच क्या हो जाएगा। मतलब कोई भी लिमिट जब अप्लाई करेंगे साइन के एंगल में जितना बड़ा से बड़ा एंगल ले लो, कुछ भी ले लो, वन बाई जीरो इन्फिनिटी आ रहा, साइन इन्फिनिटी का मतलब क्या, कोई मतलब नहीं है, साइन इन्फिनिटी कोई सेंस नहीं बनाता, ठीक है ना। साइन के एंगल में जितना बड़ा से बड़ा एंगल आ जाए साइन का जो वैल्यू है प्लस वन और माइनस माइनस वन और प्लस वन के बीच में ही आता, मतलब एक फाइनाइट नंबर आएगा, जीरो इंटू एनी फाइनाइट नंबर इज जीरो, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो गया, इसका मतलब ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है एट एक्स इजिकल टू जीरो पर। ओके तो एक बात और याद रखेंगे नोट में कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, हर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा, बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल। आप इसको चेक करके देख सकते हो कि मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस तो मैंने अभी यहाँ पर एक्स दे दिया, मॉड एक्स माइनस वन, मॉड एक्स माइनस टू, मॉड एक्स माइनस टू, मॉड एक्स माइनस थ्री, इस तरह के इन्फाइनाइट क्वेश्चन हम बना सकते हैं जो कि कंटिन्यूअस होते हैं एवरी वेयर, क्योंकि मॉडुलस का आप अगर ग्राफ देखोगे कुछ इस तरह से होता है, वी शेप्ड ग्राफ होता है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर होता है ना। ये तो मैंने आपको शुरू में डिफरेंशिएबिलिटी का बताया था कि जिसके पास कॉर्नर पॉइंट्स होंगे, कॉर्नर मतलब ऐसा बेंड करेगा, कॉर्नर पॉइंट अगर बनाएगा तो उस पॉइंट पर वो ग्राफ उस पॉइंट पर वो फंक्शन जो होता है डिफरेंशिएबल नहीं होता है, और मॉड हमेशा कॉर्नर बनाएगा ही बनाएगा। इसको जीरो कर लो तो एक्स इजिकल टू जीरो पर ये बनाएगा, तो एक्स इजिकल टू जीरो पर, और इसका ग्राफ अगर हम देखेंगे इसका ग्राफ कभी नहीं टूटेगा, ठीक है ना। ये यहाँ से एक पेन को ड्रॉप करके पेन हम यहाँ से रख दिए और ये कॉन्टिन्यू हम ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। तो मॉडुलस एक्स जो होता है इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर बट इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट एक्स इजिकल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पर इसके पास इसको कॉमन टेंजेंट नहीं मिलता है, इसका स्लोप अलग अलग आ जाता है ना, वाई इजिकल टू यहाँ पर एक्स हो जाता है, ये हो जाता है वाई इजिकल टू माइनस एक्स, इसका वन आ जाएगा इसका माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। एक इस पॉइंट पर मेरे को दो डिफरेंट अलग अलग स्लोप अटेंड हो रहे हैं, ओके तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। तो याद रखेंगे कि हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कुछ भी हो जाए, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है तो इसका मतलब है वो कॉन्टिन्यूस भी है एवरीवेयर। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एवरीवेयर तो इसका ये मतलब नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये डिफरेंशिएबल भी होगा एवरीवेयर। इसका एक एग्जांपल हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई बच्चा 12th क्लास पास कर गया है तो
तो इसका मतलब हर हाल में है कि वो 10th क्लास पास कर गया होगा। लेकिन अगर कोई बच्चा 10th क्लास पास कर गया, इसका कोई ज़रूरी नहीं है वो 12th क्लास पास करेगा। ओके, मे भी हो सकता है पास कर जाए, नहीं पास करे, ड्रॉप कर दे, पढ़े नहीं पढ़े, ठीक है ना। लेकिन 12th क्लास जिसने पास किया है वो हर हाल में 10th क्लास पास कर गया है। ओके, तो और भी बहुत तरीके से समझ सकते हैं, एग्जाम्पल बहुत सारा है, ठीक है। ओके, दैट्स ओवर। ओके, थैंक यू।